अगर हम बोले प्रोटेस्ट करेंगे ना अनएम्प्लॉयमेंट पे, हम बोलेंगे हमें ये कश्मीरी टेररिस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम भी इंडिया के, हम भी इंडियन सिटीजन है, बस हम पे यही दाग लगा दिया गया है, यही ये रिमार्क लगाया गया है कि ये टेररिस्ट है। हकीम हो वारुचितम दो दक मीछम हकीमो वारुचितम दो दक मीछम दवा दिम क्या गचीकम दो दक मीछम। नमस्कार, श्रीनगर के लाल चौक से द वायर के दर्शकों का स्वागत करती हूं मैं। देश भर में चुनाव हो रहा है, चुनाव जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से ये पहला चुनाव है, 4 साल गुजर जाने के बाद। एक तरह से इस चुनाव को, इस लोकसभा चुनाव को आर्टिकल 370 पर एक तरह का रेफरेंडम माना जा रहा था, यानी कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने इसको अप्रूव किया या नहीं, यानी इस कदम को भारत की सरकार के उन्हें पसंद आया या नहीं, इस पर एक तरह का ये रेफरेंडम था या एक तरह का चुनाव था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भाजपा ने यहाँ पर घाटी में अपना कोई भी कैंडिडेट फील नहीं किया है, कोई भी कैंडिडेट तीनों सीटों पर यहाँ घाटी की। जम्मू में उनके कैंडिडेट हैं लेकिन श्रीनगर में उनके कैंडिडेट्स नहीं है। तो ये हैरानी की बात है कि कैसी पॉलिटिकल पार्टी जो देश के बाकी हिस्सों में 370 के नाम पर, कश्मीर के नाम पर कि देखिए हमने कश्मीर को मुख्यधारा से जोड़ दिया, देखिए कश्मीर में हमने आतंकवाद खत्म कर दिया, देखिए किस तरह से इंटीग्रेट कर दिया हमने कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से आजादी के 75 साल बाद, सिर्फ नरेंद्र मोदी ऐसा कर सकते थे। लेकिन उस पोलिटिकल पार्टी की ये हिम्मत नहीं हुई है कि यहाँ पर अपने कैंडिडेट फील कर सके, क्योंकि साफ तौर पर पता चलता है कि पिछले 4 सालों में अगर भाजपा ने कुछ कमाया है यहाँ पर तो सिर्फ अलोकप्रियता कमाई है। तो अगले कुछ जो रिपोर्ट्स आप देखेंगे यहाँ से, उन रिपोर्ट्स में हम आपको बताएंगे कि लोगों के, आम लोगों के हालात क्या हैं, आम लोगों के मुद्दे क्या हैं, महंगाई, बेरोजगारी, सुरक्षा व्यवस्था, ये तो जाहिर है तमाम पूरे देश के मुद्दे हैं और जम्मू कश्मीर के मुद्दे भी हैं, लेकिन कश्मीर के 2 बड़े मुद्दे और हैं जो भारत के बाकी हिस्सों से अलग हैं। वो है कि क्या पूरे अधिकार और पूरी आजादी के साथ क्या कश्मीर की जनता बिना डरे हुए अपने अधिकारों को एक्सरसाइज कर सकती है। तो जम्मू की 2 सीटों पे चुनाव हो चुका है, अभी श्रीनगर यानी घाटी की 3 सीटें बाकी हैं, श्रीनगर है, अनंतनाग है और बारामूला, तीनों सीटें अभी बाकी हैं। इससे पहले चुनाव होना था लेकिन तारीख को बदला गया 1 सीट की, और श्रीनगर की सीट भी बहुत अहम मानी जा रही है। यहाँ पर 3 जो बड़े कैंडिडेट्स इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, उसमें वहीद पारा है, पीडीपी के आगा रोहिल्ला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और साथ ही अपनी पार्टी के अशरफ मीर भी हैं। तो ये जो अपनी पार्टी है, 2 पार्टियां कम से कम ऐसी मानी जा रही हैं यहाँ पर, जो पार्टियां कहा जा रहा है कि एक तरह से प्रॉक्सी यानी परोक्ष रूप से भाजपा समर्थित ये पार्टियां हैं। अब इस दावे की हम पड़ताल करेंगे। ऑपोजिशन का यही कहना है कि ये जो पार्टियां हैं कहीं ना कहीं ये पार्टियां समर्थित हैं बीजेपी के जरिए। इसमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है और इसके अलावा पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, ये 2 पार्टियां हैं जिनको प्रॉक्सी पार्टी बताया जा रहा है कि भाजपा की जो खुद इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो यहाँ पर अपने कैंडिडेट खड़े कर पाते, तो इन 2 जो प्रॉक्सी पार्टियां हैं उनको यहाँ खड़ा किया गया है। तो आप ये देखिए कि फिलहाल बीजेपी के लिए 2 जो सीटें हैं हिंदू मेजोरिटी जम्मू में, वहां पर उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, लेकिन श्रीनगर जो ये पूरा घाटी का इलाका है, 3 सीटों पर जो मुस्लिम मेजोरिटी है, वहां अभी तक उन्होंने कैंडिडेट नहीं खड़े किए हैं। तो 2014 के बाद से देखा जाए पहला मेजर इलेक्शन ये माना जाएगा, 2019 के बाद का पहला इलेक्शन ये माना जाएगा। कई मामलों में ये देश के बाकी राज्यों से भी ज्यादा अहम इलेक्शन है। अगले कुछ मिनटों में आप देखेंगे यहाँ हम आम लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे। श्रीनगर के बाजार में घूमते हुए यहाँ कुछ यंगस्टर्स हमें बैठे हुए मिल गए, खुशमिजाज लोग लग रहे हैं देखने में। इनसे पूछते हैं कि वाकई क्या खुशी आ गई है कश्मीर में या मसाइल बाकी हैं। किन मसले पर आप इलेक्शन में आपको लगता है वोट डालेंगे? पहली बात तो हम वैसे वोट नहीं डालने वाले हैं, तो क्योंकि जब से जन्म लिया तब से ये देखते आ रहे हैं कि वोट डालने से पहले, मतलब जो यहाँ के पॉलिटिकल लीडर से कुछ वादे किए जाते हैं जो निभाए नहीं जाते हैं, फिर तो वही मसला हमारा है, यूथ का मसला, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है या
बिजनेस यहाँ पे ठाफे मार्केटिंग, जैसे कि आज यहाँ संडे मार्केट जैसे चल रहा तो भीड़ होनी चाहिए, तो वो हमें वो आप खुद देख रहे कि दिख नहीं रही है, तो उस वजह से हम यहाँ के बहुत सारे मसाइल हैं। आपने क्या पढ़ाई की है? मैं ग्रेजुएट हूँ, नर्सिंग प्रोफेशनल से हूँ। नर्सिंग जी। और आपके पास जॉब है? अभी तो नहीं है, एक साल हो गया नर्सिंग किए हुए, तो अभी एक साल में अभी तक एक पोस्ट भी नहीं निकला है हमारे यहाँ। गवर्नमेंट जॉब एक पोस्ट भी नहीं निकला है, बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ रेशियो 80-20, हर सौ कैंडिडेट्स में 80% फीमेल्स को ले जाता है और 20% मेल में जाता है, तो एज पर द कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है उस लिहाज से भी है। अगर हम छोड़े वो नॉर्थ साइड तो सेंट्रल लेवल का है, अगर हम जम्मू कश्मीर से पिछले 2020 या 21 में जो परमानेंट रिक्रूटमेंट हुए तब से कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। सो हम नर्सिंग में बैठ के अब आपको दिख रहे हैं हम किस हालात में अभी से ही है, पिछले एक साल से हम भी अनएम्प्लॉयमेंट है, देयर आर वेरी अदर फैक्टर्स जो इस एक साल की बात नहीं है, चार साल से जो भी लोग हैं ना नर्सिंग में वो सब बैठे हुए घर में, सब बैठे घर में। ये चार साल में क्या तब्दीली आई है? पहले क्या होता था, मुझे सर समझाइए पहले क्या सिस्टम था, क्या मतलब, मतलब कैसे चार साल में कैसे बदलाव आ गया कि अब बेरोजगार क्यों हो रहे हैं लोग? अपनी गवर्नमेंट होती थी तब कुछ होता था, थोड़ा सा बहुत एम्प्लॉयमेंट थोड़ा ज़्यादा जोर होता था, लेकिन वैकेंसी आती थी पहले होती थी फिर भी, लेकिन आजकल कुछ भी नहीं है। अगर निकलते भी वो पर ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे निकलते हैं एक साल के लिए, इसके बाद एक साल दो साल होते हैं उनको फिर निकाल दिया जाता है। बारह साल के बाद भी रिसेंटली GMC श्रीनगर ने 12 साल के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट थे उनको निकाला, उनकी पूरी ज़िंदगी हॉस्पिटल में सर्व कर रही है, वो भी एक तरीके से एक ना वो मैदान के खिलाड़ी थे, वो अपने हिसाब से वो भी थे, वो भी एक देश को संभाल रहे थे अपने वर्दी पहन के, लेकिन 12 साल के बाद भी उनको भी निकाला गया, तो कॉन्ट्रैक्ट्स का कुछ होता मसला ही नहीं है, यहाँ पे है ही नहीं कोई रिक्रूटमेंट अभी, अगर है भी तो कुछ ऐसे रिक्रूटमेंट्स निकलते हैं, अब रेशो का भी मसला आ गया। तो इसमें हमें बार बार जब दिल्ली में बैठे होते हैं तो हमें समझाया जाता है कि देखिए 370 बहुत बड़ा इशू है, आपको लगता है ये इशू है? इशू कुछ नहीं, हालात सब ठीक है, 370 से पहले भी हालात ठीक थे, आज भी हालात ठीक है, ये बस ड्रामा बनाया गवर्नमेंट ने कि 370 ये था वो था, कुछ भी नहीं है, कुछ भी बदलाव नहीं आया, कुछ भी बदलाव नहीं है, तब भी अनएम्प्लॉयमेंट था ज़्यादा, लेकिन अब उससे ज़्यादा हो गया, तब अगर 30% अनएम्प्लॉयमेंट थी अब 70% 80% अनएम्प्लॉयमेंट है, सब बैठे हैं घर में, सब घर बैठे हुए हैं। और मैं सुन रही थी कि काफ़ी डिप्रेशन का माहौल है, और मतलब लोग एंटी डिप्रेसेंट्स खा के, एंटी एनजाइटी मेडिसिन खा के किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं? बस पहले तो जैसे कि हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की, पहले हमारे जो भी कुछ वजूहत होते थे या कुछ मसाइल होते थे हम जाया करते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे, हमारे MLAs होते थे यहाँ के मिनिस्टर, हमारे ये चीफ हम बात पहुँचाते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से बात पहुँचती सीधे हमारे MLA की ओर या उसके ओर, जो अपनी पार्टी होती थी विनर पार्टी तो वहाँ तक पहुँच जाते थे। आजकल जो अब जो यहाँ गवर्नर आज जब से आया तो तब से हम अपनी बात कहीं नहीं पहुँच सकते। जायज़ बात है आपकी कि कम से कम MLA जिनको चुन के भेजते थे 2018 से यही हालात हैं, फिर इसका हम किससे बात ही नहीं कर सकते हैं, जो भी हमारे मसाले हैं बस अपने दिल में वो। दूसरी बात, अगर हम बोले प्रोटेस्ट करेंगे ना अनएम्प्लॉयमेंट पे, हम बोलेंगे हमें ये कश्मीरी टेररिस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम भी इंडियन सिटीजन है, बस हम पे यही दाग लगा दिया गया है, यही ये रिमार्क लगाया गया है कि ये टेररिस्ट है। यानी अगर आप ये भी कहेंगे भी मुझे बड़ी प्रॉब्लम है, देखिए बिजली के जो टैरिफ है वो बढ़ रहा है, दाम बढ़ रहे हैं, तो ये कहेंगे कि टेररिस्ट है ना? हाँ वो सब कुछ है, ज़्यादातर कब से हुआ 2022 से ज़्यादा महंगाई हो गई, सब बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। लेकिन प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं, प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं है यहाँ पे, अगर हम करेंगे बोलेंगे टेररिस्ट है, वो है कश्मीरी है तो टेररिस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं, हम भी इंडियन सिटीजन है, हम भी इंडिया के साथ है, ये गलत फहमी है बाहर के लोगों को, जो भी आते वो रहे इंडिया के साथ नहीं, लेकिन हम भी इंडिया के साथ है, लेकिन बोलते हैं अगर कोई भी प्रोटेस्ट करेंगे ये टेररिस्ट है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई 3 चीज़ें जो आप बदलते हुए देखना चाहेंगे क्या होगा? पहले जो इन्होंने बोला था कि 370 आया तो ये इंडस्ट्रियलिज्म आएगा, तो यहाँ का तो वैसा कुछ है ही नहीं इंडस्ट्रियलिज्म का, वैसा ही है हमारा, तो एक अगर यहाँ पर एक यूथ अपनी बिजनेस बढ़ाना चाहता है तो मतलब वैसे रिसोर्सेज है ही नहीं। तो दूसरी बात अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ PhD करके है लोग, डॉक्टरेट है लोग, ग्रेजुएट है, मास्टर्स करके बैठे हुए लोग, तो ये तो तीसरी बात है कि
ये दामा ही बढ़ गया यहाँ पे जी। आप बताइए तीन अगर कोई मसले मैं आपसे पूछना चाहूँ जो आप बदलते हुए देखना चाहेंगे। सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होनी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरी बात पीस इम्पॉर्टेंट है, जब पीस होगा तभी एम्प्लॉयमेंट, तभी सब यहाँ से। तीसरी चीज़ होगी रिप्रेजेंटेशन के आपके लोगों, अपनी स्टेट होनी चाहिए, स्टेट ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जब से ये आया हो ना यहाँ पे, जो गवर्नर राज आया उसकी गवर्नमेंट है, तब से हमें लगता है कि मतलब कुछ छीना हुआ है हमसे। हम अपनी बात मतलब पहुँचाना चाहते हैं लेकिन करें किससे, तो वो सब ख़त्म हुआ है यहाँ पे। खुद अपना स्टेट चाहिए, बेरोजगारी कम होनी चाहिए, हाँ। इंडस्ट्री लगनी चाहिए, वो तो सही है, वो ज़रूरी है, वो तो ज़रूरी है। ये तीन चीज़ें ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होती है। आप बताइए आप भी सही है। हाँ। ये बस सेम आपने जो बोला बिल्कुल वैसा ही है सेम। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। तो मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि शायद ये तीनों जो नौजवान यहाँ बैठे हैं बड़े बहादुर नौजवान हैं कि कैमरे पर कम से कम अपने रोज़मर्रा की चीज़ें बात करने के लिए तैयार हुए, शेयर करने के लिए। मैं पिछले एक दो घंटे से मैं और मेरे कैमरा पर्सन यहाँ घूम रहे थे और कैमरे का खौफ यहाँ पर इतना है क्योंकि सबको मालूम है कि कीमत क्या है इसकी। आप ही सोचिए, इसी से अंदाज़ा लगाइए कि 2019 के बाद से अब तक हालात कितने बदले हैं, कितने बदतर हुए हैं। मेरे लिए शायद खुद कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। सिर्फ आपको इतना बताना चाहती हूँ कि दो घंटे में सिर्फ ये तीन नौजवान ऐसे हैं जो अपने मसाइल कम से कम शेयर करने के लिए हमारे साथ तैयार हुए हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।